हेलो फ्रेंड्स, मैं सेना आपको अपने चैनल चैन हेल्थ एंड पीटू टिप्स में वेलकम कहता हूं। आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, सन प्रोटेक्शन के लिए आप लोग डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। मोस्टली उसमें सन ब्लॉक्स होते हैं, सनस्क्रीन्स होती हैं, उसमें एसपीएफ वाइज होता है। अगर एसपीएफ उसमें 15 शामिल है तो वो आपकी स्किन को धूप की यूवीए यूवीबी रेज से आपको 1 घंटा प्रोटेक्शन देती है। फ्रेंड्स, ये जो कॉस्मेटिक्स रिलेटेड जो सनब्लॉक्स होते हैं, जो आम जो कॉस्मेटिक्स की शॉप होती है उन पर अवेलेबल होते हैं फ्रेंड्स, उनकी प्राइसेस फिर भी कम होती हैं। तकरीबन 200 300 400 की रेंज में डिफरेंट सनब्लॉक्स होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो मेडिकेटेड सनब्लॉक्स होते हैं काफी कॉस्टली होते हैं, और मोस्टली ये डर्मेटोलॉजिस्ट जो है और जो ये स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं वही आपको रेकमेंड करते हैं। मेडिकेटेड सनब्लॉक्स होते हैं, इनकी प्राइसेस काफी हाई होती है। तो फ्रेंड्स, हर बंदे के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है कि इतनी महंगी महंगी सनब्लॉक सनस्क्रीन लेके अपनी स्किन के प्रोटेक्शन दे सके। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत बेहतरीन, एक बहुत सस्ती, और आप ये समझ लें जस्ट 1 रुपए की वो चीज हो, कि 1 रुपए की चीज आप अपने फेस पे लगाएंगे तो आपकी स्किन जो होगी कंप्लीटली धूप की यूवीए यूवीबी रेस की जो शुआएं होती हैं उनसे महफूज रहेगी, और आपकी स्किन धूप में भी चमकती दमकती गोरी रहेगी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको इस रंगोरा करने वाले इस होममेड 1 रुपए के सनब्लॉक के बारे में बताऊं, उसके नाम के बारे में बताऊं, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल जैन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन का बटन होगा उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, ये जो 1 रुपए का सनब्लॉक है फ्रेंड्स, इसका नाम है कोकोनट ऑयल। जी हाँ, नारियल खोपरे का तेल। फ्रेंड्स, आप ये देख लें कि तकरीबन जितने भी सनब्लॉक्स होते हैं वर्ल्ड वाइड, जितने भी होते हैं, उनका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट ऑयल, क्योंकि कोई भी सनब्लॉक विदाउट कोकोनट ऑयल के कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेन जो ये कोकोनट ऑयल ही होता है जो स्किन पे एक लेयर बना देता है, लेयर की वजह से जो आपकी स्किन है वो यूवीए यूवीबी रेस से महफूज रहती है। तो फ्रेंड्स, जब आप मोस्टली ये जितने भी महंगे सनब्लॉक्स हैं आप यूज नहीं कर सकते, तो आप जस्ट एक ये नारियल का तेल से ही अपनी स्किन को धूप की शुआओं से महफूज रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपने जो नारियल का तेल है ये कोकोनट ऑयल, इसको आपने फेस पे लगाना है। जब आप इसे एक बार अपने फेस पे लगा लेंगे तो मतलब आपका जो 45 to 50 मिनट्स तक आपका जो स्किन है वो धूप की यूवीए यूवीबी रेस से महफूज रहेगी, आपकी स्किन को धूप की शुआओं से असर नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आप ज्यादा देर के लिए बाहर जा रहे हैं, मतलब 1 घंटे से ज्यादा, तो उसमें यह होगा कि आप कोकोनट ऑयल की छोटी जो बोतल होगी वो अपने पर्स में या बैग में रख लें, 1 घंटा जब गुजर जाए तो अपने फेस पे ये अप्लाई कर दें उसे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फेस पे अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि आप कोकोनट ऑयल आपने फेस पे किस तरह अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, ये है कोकोनट ऑयल। फ्रेंड्स, आप इसे जो पैकिंग वाली बॉटल्स होती हैं डिफरेंट कंपनीज की वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो वाला लीजिएगा जो नॉर्मल कोकोनट ऑयल होता है, ये ना बालों में लगाने वाला कोकोनट ऑयल ले ले। आप ये किसी भी कंपनी की बॉटल पैक में भी ले सकते हैं, या फिर जो खुला नारियल का तेल होता है कोकोनट ऑयल वो भी आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने इसे लगाना इस तरह होगा जिस तरह ये कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल को आपने इस तरह इसमें ये डिप किया अपनी फिंगर को, और इस तरह लाइटली लाइटली आपने इसे अपने फेस पे लगाया। फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन ऑयली ज्यादा है या फिर इसके अलावा आपकी स्किन एक्नी है तो फिर आप इसे यूज ना कीजिएगा, और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई स्किन है, तो फिर आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने इस तरह इसे लगा दिया कोकोनट ऑयल को, इसका आपने मसाज नहीं करना। लगाने के बाद फ्रेंड्स, आपने इसकी जो एक्सेस ऑयल, जिस तरह ये ऊपर जिस तरह इसका ऑयल हुआ हुआ है, इसको आपने किसी भी टिश्यू से साफ कर देना। टिश्यू है, टिश्यू से आपने लाइटली लाइटली इसको एक्सेस जिसका ऑयल है इसको आपने रिमूव कर दिया, और उसके बाद आप कोई भी क्रीम या प्रोडक्ट जो आप नॉर्मल यूज में यूज करते हैं वो आप इसे यूज कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो आप हेल्थ एंड ब्यूटी के किस सब्जेक्ट पे देखना चाहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।